अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़िर को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी रेसिपी है वो मेरी बहुत फेवरेट है और मज़ेदार बहुत बनती है। मम्मा इसको बनाते हैं और ख़ास तौर पर क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो अंडों का इस्तेमाल तो अब बढ़ गया है। और अंडे हम लोग मुख्तलिफ़ तरह मतलब कोई बॉयल करके, कोई फ्राई करके और कोई किसी को ऑमलेट बना कर, मतलब मुख्तलिफ़ तरह से जो अंडों का इस्तेमाल है वो बढ़ चुका है। गर्मियों में भी होता है लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा इसका इस्तेमाल जौन सा है वो बढ़ जाता है। तो आज हम लोगों ने जौन सा फोकस किया है वो है अंडों के हवाले से। आज की जौन सी हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं वो अंडों की रेसिपी है। और आज जौन सी हमारी रेसिपी है वो है अंडे आलू, और ये किस तरह बनेगी, इसकी रेसिपी क्या है, ये जानते हैं ममा से। जी ममा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ना 3 प्याज ले लिए छोटे छोटे से, ऑयल भी डाल दिया। ये मैं चूल्हे पर रख देती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 2 टमाटर ले लिए, ये धनिया है, 2 हरी मिर्चें हैं, ठीक है। ये मैंने आलू ले लिए हैं, घर में पड़े थे। तो 5 मैंने अंडे लिए हैं, आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच ज़ीरे का, आधा चम्मच ही नमक है क्योंकि इसके पापा को भी ब्लड प्रेशर है। मैं भी नमक हम कम इस्तेमाल करें, पौनी चम्मच है ये मिर्चों का, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे। अच्छा, अब आप बता देना मतलब कि आज की जो सी हमारी रेसिपी है क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, ये अंडे आलू का इस्तेमाल है। हाँ जी, फिर हमने सोचा कि आज अंडों के हवाले से एक रेसिपी शेयर कर देते हैं। असल में ना ये है ना कि रोज़ाना पकाने का बहुत मसला है, आपको भी होगा ये भी मसला, क्या पकाएं क्या ना पकाएं। आज मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना ये अंडे आलू बना लेते हैं, तो आप भी देखें कैसे हम लोग बनाते हैं। तो हर घर के तरीके अलग हैं बनाने के, तो मैंने कहा चल थोड़ा सा ना ये अंडे आलू बना के ना आपको भी दिखाते हैं, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, वो मैंने कहा आज बना लेते हैं इसकी भुजिया से, ठीक है। तो व्यूअर्स, अब बिना टाइम जाए कि अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मज़ेदार से जो सी अंडे आलू की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। अच्छा, तो हम लोगों ने ज़्यादा प्याज नहीं ब्राउन करने, बस हल्के से हम लोगों ने करने के बाद इसके अंदर ये वो जो हम लोगों ने 2 अदर टमाटर लिए थे, मैंने ना वो हरी मिर्चें भी डाल दी, टमाटर भी डाल दिए। अब थोड़े से हो जाए तो फिर मैं आलू डालती हूँ, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनती है। तो थोड़ा सा टेस्ट भी ज़रा चेंज हो जाता है। तो वैसे भी अभी जैसा कि आपने भी कहा है कि रोज़ खाना पकाने का बहुत बड़ा इशू होता है कि क्या बनाएं, क्या हर घर की यही कहानी है कि क्या बनाएं। हर घर में ये सवाल पूछा जाता है आज क्या बनेगा या क्या बनाएं। अच्छा, ये भी है कि कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है, ये बहुत मसला, सबसे ज़्यादा ये भी बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल सही कि मतलब हर घर वालों की पसंद को लेकर चलना पड़ता है, किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं, किसी को कुछ नहीं पसंद। ये तो फिर कुछ ऐसा मतलब ये जौन सी होती हैं घर की मलका, क्योंकि औरत ही होती है ना, तो उनके हवाले ये जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने सब कुछ लेके चलना होता है, घर को भी देखना होता है, किचन को भी देखना है, हर चीज़ को मैनेज करना है और घर वालों की पसंद को भी मैनेज करना है। अच्छा, तो अब हम लोगों ने इसके अंदर जौन से आलू हैं वो डाल दिए। पहले हम लोगों ने प्याज ज़्यादा कलर नहीं किया, लाइट से हम लोगों ने बस 1 से 2 मिनट के लिए उनको हम लोगों ने घी में फ्राई किया। उसके बाद हम लोगों ने टमाटर डाल दिए, हरी मिर्च डाल दी और अब हम लोग उसके अंदर आलू डाल रहे हैं। क्योंकि व्यूअर्स, आप लोगों को जैसे कि पता है कि आज की रेसिपी हमारी अंडे आलू की है। आलू हम लोगों ने पहले डाले, अंडे तो हम लास्ट पर डालेंगे ना, जब मतलब हमारे ये आलू थोड़े से हो जाए ना फिर डाल देते हैं अंडे से, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये ग्रेवी वाली जो सी आज की रेसिपी है अंडे आलू की तैयार होने वाली है और बहुत मज़ेदार बनती है। इसको आप लोग बनाएं, ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अच्छा, इसे 5 मिनट भूनते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, 5 मिनट के बाद आपको दोबारा दिखाते हैं। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और हमारी वीडियो को पूरा देखना है। अब हम लोगों ने इसके अंदर नमक, मिर्च, ज़ीरा और हल्दी, ये 4 मसाले लिए थे और वो चारों के चारों इसके अंदर हम लोगों ने शामिल कर दिए हैं। तो अब इसको हम अच्छी तरह से हिलाएंगे। तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो से हैं वो अंडे वो शामिल कर देंगे। तो आलू भी आप लोग दे सकते हैं, नाज़े मुकम्मल तौर पे मतलब नहीं गले, हम लोगों ने इनको हाफ कुक कर लिया और जब बाकी हम लोग जब अंडे डालेंगे उसके साथ ही हम लोग इसको तैयार कर लेंगे। क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल इनको हलवा तो करना नहीं है और इतना ज़्यादा हम लोगों ने इनको पका भी देना कि बिल्कुल जो इनकी शक्ल है वो ख़त्म हो जाए, पता नहीं चला कि हम लोगों ने ये आलू अंडे बनाए हैं या हलवा बनाया है, क्या बनाया हम लोगों ने। तो इसे थोड़ी शक्ल भी आलू के बरकरार रखनी है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इनको नहीं गलाना। बस ये है कि इनको आप अगर बहुत ज़्यादा मोटा काटेंगे तो फिर ज़रा गलने में भी टाइम लगेगा। नहीं, इतनी शेप में ही काटते, बाकी अपनी मर्जी है कि जैसे आप पकाना चाहें, ठीक है। तो माशाल्लाह खुशबू यहाँ पर मसाला डालने के बाद आने लगी क्योंकि हम लोगों ने इसको भून लिया है और हम लोगों ने कुकिंग ऑयल जो डाला था वो ऑयल भी इसका आ चुका है इसने। अब मैं ना इसमें अंडे डालती हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग इसके अंदर जो सी आप हमारी मेन चीज़ है अंडे, क्योंकि आज हम लोगों ने आपको अंडों के हवाले से रेसिपी शेयर की है तो अंडे हम लोग उसके अंदर डालने शुरू कर दिए हैं। जी तो हम लोगों ने इसके अंदर 5 अंडे लिए थे और 5 के 5 अंडे हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से हम इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से हिलाना ताकि ये ना हो जो हम लोगों ने अंडे शामिल किए हैं वो लग जाएँ और जल जाएँ। ये लीजिए अच्छी तरह से अब हम लोगों ने इसको हिलाना है और मज़ेदार सी जो सी हमारी क्विक सी अंडे आलू की रेसिपी है ये तैयार हो जाएगी। ये आप सुबह के टाइम भी बना सकते हैं पराठों के साथ खाने के लिए। सर्दियाँ अब अगर सुबह को आपने ब्रेकफास्ट में पराठा खाना है, किसी दिन आमलेट या फ्राई अंडा खाने को नहीं दिल करता, तो तभी मैंने वही कहा ना कि मतलब सर्दियों में तो अंडों का डेली इस्तेमाल होता है, गर्मियों में चलो सम टाइम हम लोग नहीं करते कि गर्म होते हैं, लेकिन सर्दियों में तो शोबे वाले भी अंडे बनते हैं ना, वो भी आप सिखाइएगा अपने व्यूवर्स को। तो अब ये थोड़ा सा ऐसे आप अंडे भी खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में और थोड़ा टेस्ट और फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा रूटीन से। तो अब ये देखें इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं। अब इसको तो हम दम पर लगा देंगे। नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के ना फिर मैं हल्की आंच पे रखूँगी, जो कसर है ना वो भी हो जाएगी सही, ताकि जो आलू है ना वो हमारे मुकम्मल। मैं अंडे भून रही हूँ ना तो स्मेल वगैरह ना आए इसकी। ठीक है, तो हम लोगों ने व्यूवर्स इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद हम लोग इसको पकने के लिए रख देंगे और उसके बाद जो सा है हमारी आज की रेसिपी वो बिल्कुल डन हो जाएगी। और आप लोगों ने व्यूवर्स हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर देने बताना कि जो से हमने आज आपको अंडों के हवाले से स्पेशल जो रेसिपी अंडे आलू की शेयर की है वो कैसी लगी है। ये लें, हमने थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया इसके अंदर। इसको हिलाएंगे और पकने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो 5 से 10 मिनट के बाद हम आपको दोबारा दिखाते हैं। तो व्यूवर्स आप लोगों ने अभी ठीक है, तो हम लोगों ने इसी स्टेज पे इसके अंदर जो है वो धनिया भी ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको रख देते हैं पकने के लिए और फिर आपको फाइनल लुक इसका दिखाते हैं कि जो हमारी मज़ेदार सी अंडे आलू की रेसिपी है वो कैसे तैयार हुई है। जी तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारी है आज की रेसिपी फाइनल हो गई है और घी भी इस पर तकरीबन आ ही गया है। और हम लोगों ने इस दौरान हम लोगों ने इस पर उसके अंदर गरम मसाला वो ऐड करना है। 1/2 टेबलस्पून हम लोगों ने गरम मसाला लास्ट पे शामिल करना है। उसके बाद हम लोगों ने इसको डिश आउट कर लेना है। माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे बने हैं ये देखिए घी भी आ गया है और देखिए केला मतलब आलू भी खुले नहीं, आलू ये देखें अंडे भी हैं बीच में डाले हुए, मतलब परफेक्ट पता चल रहा है। हाँ, हम लोगों ने अंडे आलू बनाए हैं। हाँ जी, ये देखें खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। गरम मसाला भी हम लोग शामिल कर चुके हैं तो बबल इसके अंदर बन रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो हमारी रेसिपी है वो मुकम्मल तौर पे बन चुकी, तैयार हो गई है और जो ऑयल है वो भी आ गया है। हम लोग इसको अब डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ जी, झटपट पक गई, बहुत जल्दी पक गई, झटपट पक गई। बहुत आसान सी रेसिपी है और उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और हम लोगों ने मज़ेदार शौक से भी खा लेते हैं। जी बिल्कुल, बच्चे भी पसंद करें क्योंकि आलूओं के जैसे बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं। अंडे आलू अक्सर बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये देखिए ना, मुझे खुद बहुत पसंद है अंडे आलू, सुबह के नाश्ते के टाइम भी बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब पराठे के साथ हो। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोगों ने इसका फाइनल लुक देख लिया। अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। इतने मज़ेदार से जो से हमारे हैं अंडे आलू तैयार हो गए हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जो सी हमारी रेसिपी है अंडे आलू की वो पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और हमारे चैनल को कभी सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस तरह की मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर हम दोबारा हाजिर होंगे। हमें दुआ में याद रखें और ये इसका फ़ाइनल लुक देख लें। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हर चीज़ को देखा जा सकता है। अंडों का भी पता चल रहा है और आलू भी जो से हैं वो भी बिल्कुल अपनी परफेक्ट शेप में है, बिल्कुल भी घुल से नहीं गए कि समझ ही ना लगे हम लोगों ने अंडे आलू बनाए हैं या क्या हम लोगों ने एक जी सी चीज़ बना ली है। तो हर चीज़ अपनी शक्ल बिल्कुल बरकरार रखे हुए है और खुशबू बहुत उम्दा आ रही है। तो व्यूवर्स आप लोग इसको ट्राई करें और हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।